Today we are going to start our chapter 1st of class 12th history, that is bricks, beads and bones. This chapter is basically all about Harappan civilization. We will be doing this chapter in 8 parts. Let's start with first. Harappan civilization. जैसे हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था क्लास 11th में, वैसे ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है. जैसे उसमें उनकी सिटीज़, उनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, उनका खाना पीना, फूड हैबिट्स, उनका लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड, जैसे भी जो हमने पढ़ा था सेम वैसे ही अब इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. हड़प्पन सिविलाइजेशन 3 नाम से जाने जाते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 में सबसे पहली साइट इस सिविलाइजेशन की ढूंढी गई वो हड़प्पा गांव में ढूंढी गई थी, जो कि अब के पाकिस्तान में, उस टाइम का इंडिया ही था. अलग अलग साइट्स, मतलब जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ओरोक अलग अलग सिटीज़ थी, वो उस सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स थी, वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स मिली हैं, पर सबसे पहला हड़प्पन साइट मिली थी इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है. सेकंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के पास है इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन. ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रोंज का यूज़ सबसे पहले हुआ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्रोंज का यूज़ हुआ करता था. ओके, टाइम पीरियड इस सिविलाइजेशन का वैसे तो 1300 से 1300 BC तक है, पर हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे ये 2600 से 1900 BC टाइम पीरियड का है. हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, मच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन. हमारा जो चैप्टर है वो मच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन पर आएगा. सबसे पहले हड़प्पा की साइट, जो मैंने बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम इसलिए क्योंकि सबसे पहली साइट हड़प्पा की ढूंढी गई थी 1921 में, एक्सक्यूवेटेड बाय दयाराम साहनी. इनका नाम हमें याद रखना है, दयाराम साहनी ने सबसे पहली साइट हड़प्पा की खोजी थी 1921 में. सेकंड साइट उसी के नेक्स्ट ईयर 1922 में आरडी बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी ने एक्सक्यूवेट की थी, और ये काम सर जॉन मार्शल के अंडर में चल रहा था जिस टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे. ये जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है जो आपकी बुक में आपको पिक्चर मिल जाएगी इसकी. ये सिविलाइजेशन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान हो गया तब इंडिया ही था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, थोड़ा सा यूपी, इतने एरिया में फैली हुई थी ये सिविलाइजेशन. और ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये इसकी साइट्स हैं अलग अलग इस सिविलाइजेशन की. हड़प्पा सिविलाइजेशन की ये कुछ मेजर साइट्स हैं. साइट्स मतलब जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमने अलग अलग विलेजेस और जो सिटीज़ देखी थी वो उनकी अलग अलग साइट्स थी, वैसे ही इस सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स मिली हमें. कुछ मेजर साइट्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, हमें पता भी होना चाहिए ये साइट्स कहाँ मिली अभी के इंडिया में, या अभी के टाइम में ये साइट्स कहाँ पे हैं, कौन सी पाकिस्तान में है, कौन सी इंडिया में है, प्लस इन साइट्स की क्या स्पेशलिटी है, क्या हमें नया मिला है, क्या अलग मिला है. यहाँ पर हड़प्पन सबसे पहले है हड़प्पा रावी रिवर के पास पाकिस्तान में ये साइट हमें मिली थी. इसका फीचर है यहाँ पे एक 6 ग्रीनरीज इन अ रो, इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस, लिंगम एंड योनि मिली है. आगे ये हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे इन्हें डिटेल में, क्या है ये पिक्चर्स और इनसे क्या पता लगता है, क्या उनके बिलीव्स के बारे में पता लगता है. सेकेंड, मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा के ही नेक्स्ट ईयर 1922 में हमें मिला था, ये इंडस रिवर के पास है पाकिस्तान में ही. इसके फीचर्स, ये मोस्ट अर्बनाइज साइट थी उस टाइम की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरा, ये एक टॉपिक है हमारा मोहनजोदाड़ो. यहाँ पे हमें जो फीचर्स मिले हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रीनरी और कुछ ब्रेन्स की डांसिंग गर्ल, ब्रोंज डांसिंग गर्ल्स, और कॉटन क्लोथ्स भी मिले हैं हमें इस साइट पे. ठीक है, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट, लोथल पोर्ट इन गुजरात, इसे डॉक साइट भी कहते हैं, मतलब ये उस टाइम का डॉकयार्ड था, मे बी लोग पानी के रास्ते से सामान भी इधर से उधर पहुंचाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे. फीचर, यहाँ पे हमें टाइल फ्लोर मिले हैं यहाँ के घरों में लोथल के. नेक्स्ट, चांदोदारो, ये इंडस रिवर के पास है पाकिस्तान में. ये एक ऐसी सिटी है जो विदाउट सिटेडल है. सिटेडल क्या है ये हम आगे
चैप्टर में देखेंगे। और यहाँ पे एक इंक पॉट भी मिला है, मे बी लोग वहाँ के मतलब इंक पॉट से राइट किया करते थे। कालीबंगन घग्गर रिवर के पास राजस्थान में है। इसको कालीबंगन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बंगाल फैक्ट्री मिली थी। साथ ही में यहाँ पे एक प्लग्ड फील्ड मिला है, मतलब यहाँ की फील्ड को देख के पता लगा है लोगों को प्लगिंग वगैरह भी आती थी उस टाइम पे। धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा में हमें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है, प्रॉपर कैनल्स मिले हैं यहाँ की साइड पे। नेक्स्ट इज़ बनावली, बनावली अभी के राजस्थान में, यहाँ पे भी प्लग के कुछ प्लगिंग साइट्स के कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं। और शॉटोगरी ये अभी के टाइम पे अफगानिस्तान में है, यहाँ पे इरिगेशन कैनल्स यहाँ पे भी हमें मिले हैं। ठीक है, आगे चैप्टर में हम कुछ और साइट्स देखेंगे जो जिनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल ये मेजर साइट्स हैं जिनको विद नाम, इनकी जगह और इनके फीचर्स हमें याद रखने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी, सबसिस्टेंस वर्ड का मतलब है यहाँ पे सर्वाइवल, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज उन लोगों की क्या थी। जैसे हमने मेसोपोटामियन चैप्टर में देखा था वो लोग खाने में क्या यूज़ करते थे, या हमें कैसे पता क्या यूज़ करते थे, कहाँ कहाँ से हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिससे हमें पता लगता है उनके फूड हैबिट्स के बारे में। वैसे यहाँ पे हड़प्पन साइट्स पे हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता लगा है वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाने के लिए यूज़ किए जाते थे। सेकेंड, एनिमल्स बोन्स जो मिले हैं शीप, गोट, बफलो और पिक के, हड़प्पन साइट से ही याद रखना है आपको कौन सी साइट से हमें क्या एविडेंस मिले हैं और उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पता लग रहा है कि ये लोग ये जानवर पाला भी करते थे, डोमेस्टिकेशन भी यहाँ पे होता था एनिमल्स का। नेक्स्ट, द बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज फाउंड, अलग अलग जानवरों के जो बोन्स मिले हैं हमें, उस ये सजेस्ट करता है कि मे बी ये लोग एनिमल हंट क्या करते थे अपने लिए या फिर किसी कम्युनिटी से लिया करते थे, मतलब जानवरों का या तो खरीदना बेचना होता होगा या खुद ही हंट करके खुद के खाने के लिए या खुद के कंजम्पशंस के लिए यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर ये लोग किया करते थे इसके कुछ एविडेंस हमें मिले हैं। किन टेक्नोलॉजी से करते थे इसके लिए ये कहा जाता है कि इन लोगों को बुल का यूज़ पता था, कैसे बुल का यूज़ खेती के लिए किया जाएगा ये इन्हें पता था। ये हमें कैसे पता लगता है, हमें एक टेराकोटा स्क्रप्चर मिला है। टेराकोटा एक पत्थर का नाम है, ठीक है। इस पत्थर पे जिस तरीके से बुल का पिक्चर हमें मिला है, बुल बना हुआ मिला है, इससे पता लगता है यहाँ के लोगों को बुल का यूज़ पता था और इसे ये लोग फील्ड प्लग करने के लिए यूज़ किया करते थे। ये पिक्चर है, ये आपके बुक में है ये पिक्चर, ये है टेराकोटा बुल की। ये जो बुल, ये जो हमें पत्थर पे बना हुआ ये मिला है, इससे अंदाज़ा लगता है उस टाइम के लोगों को बुल का यूज़ पता था और ये लोग इससे प्लग फील्ड किया करते थे। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट ऑफ चोलिस्तान एंड एट बनावली। चोलिस्तान और बनावली पे हमें टेराकोटा मॉडल से प्लगिंग के कुछ साइन मिले हैं। चोलिस्तान अभी के पाकिस्तान में है और बनावली हरियाणा। हमें हर साइट का नाम अभी कहाँ पे है इसके साथ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड कालीबंगन में, पहली मैंने बताया कालीबंगन में पूरी की पूरी एक साइट मिली है, प्लग्ड साइट मतलब सॉरी प्लग्ड फील्ड मिला है, एक पूरा फील्ड मिला है जिसकी प्लगिंग हो रखी थी पहले से ही, मतलब उसकी जुताई हो रखी थी। ट्रेसेस ऑफ इरिगेशन कैनल हैव बिन फाउंड एंड शॉटोगरी, शॉटोगरी पे हमें इरिगेशन कैनल्स मिले, शॉटोगरी अभी अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी उस टाइम के लोगों को आती थी। इसके हमें जो एविडेंसेस मिले हैं ये धौलावीरा में मिले हैं। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में, जहाँ पे वाटर रिजर्वर्स प्रॉपर आपको एक ऐसा सिस्टम देखने मिला है जिससे पता लगता है लोग उस टाइम पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जानते थे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया करते थे। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे मोहनजोदारो, जो यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज साइट है, इसके बारे में हम अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।